तालीम, मेरी सोच, मेरा किसी मकाम पर पहुंचने की ख्वाहिश को मेरा जुर्म बना दिया उन्होंने। अरे ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? बाबा, हारिस भाई, रिदा भाभी कोई बात ही नहीं कर रहा है मुझसे, सब मुझे गलत कह रहे हैं। तुम खुद बताओ कि कहीं पहुंचना, कोई अलग सोच रखना क्या गलत है? नूर, तुम गलत नहीं कह रही। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और तुम ये भी तो देखो ना, ऐसी सोच को हमारा मुआशरा कबूल करने के मुकाम पे नहीं पहुंचा अभी। अरे टू हेल्प विद दिस मुआशरा, किस मुआशरे की बात कर रही हो तुम? वो मुआशरा जो पुरानी प्रसूदा सोच का दामन अब तक पकड़ा हुआ है, अब तक? वो मुआशरा जहाँ जेंडर स्पेसिफिक काम मुकर्रर कर दिए गए, जिसको ये समझ नहीं आता कि एक पढ़ी लिखी लड़की और एक अनपढ़ लड़की में बहुत फर्क होता है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो मुझसे कि मैं अपना करियर चलाऊं और साथ साथ घर की भी सारी जिम्मेदारी करूं? एक वक्त आए उस पर बच्चे पैदा करें, क्योंकि बच्चे पैदा करने की तो एक उम्र होती है ना। शौहर की खिदमत करें और साथ साथ ससुराल की भी खिदमत करें, और माथे पे बल ना लेकर आए, उनकी ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात बना ले। लेकिन उसकी कोई ख्वाहिश हो ना, अपनी ख्वाहिशात को अपने महके की दहलीज पर दफना कर ही ससुराल में कदम रखे, उस माशरे की बात कर रही हो तुम? नूर, ये तुम बहुत एक्सट्रीम पर जाकर सोच रही हो। मुर्तजा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा लगता था मुझे, मुझे ऐसा ही लगता था कि मुर्तजा ऐसा नहीं, लेकिन वो ऐसा ही है। वही रिवायती और वही फरसूदा सोच है उसकी दूसरे मर्दों की तरह। मेरी हर अच्छी बात को, हर पॉजिटिव बात को उसने नेगेटिव बना दिया, हर बात को गलत कह रहा है वो। मेरे किसी मकाम पे पहुंचने को मेरी लालच समझता है वो। अगर उसको मैं कहीं देखना चाहती तो उसको लगता है कि वो मैं अपनी अना में कह रही हूँ, अपने गुरूर में कह रही हूँ। उसका हाथ थाम के मैं पूरी दुनिया फतह करना चाहती हूँ, लेकिन उससे लगता है कि मैं उससे उसकी रूट से अलग कर रही हूँ। और फूफो, फूफो के सामने तो मैं बड़ी हुई हूँ, वो क्यों नहीं मेरी बात समझ रही है? अरे कोई इतनी सी बात पे भी भला रिश्ता तोड़ के जाता है? तुम्हारे और मुर्तजा के रिश्ते की बात कर रही हो? हाँ। लेकिन अगर उनको लगता है ना कि मुर्तजा मेरे अलावा किसी और से शादी कर लेगा, तो ये उनकी गलत फहमी है। वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। तुम देखना, अरे उसकी तो सुबह मुझसे शुरू होती है, उसकी रात मुझ पे खत्म होती है। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? नूर, मेरी बात सुनो, मुर्तजा से मिलो और उसको मनाओ। कुछ अपनी सुनाओ, कुछ उसकी सुनो। क्या सुनूं मैं उसकी, क्या सुनूं? शादी करना चाहता है, मैं नहीं तैयार शादी करने को। मेरी प्रमोशन ड्यू है, पूरा करियर मेरे सामने, अभी तो शुरुआत है। क्या मांगे हैं मैंने उससे? चंद साल में ऐसे क्या हो जाता है? अरे वो चंद साल मेरा इंतजार कर ले, फिर वो जो कहेगा मैं वो करने को तैयार हूँ। देखो नूर, जो भी बात है ना, इस मसले को जितना जल्दी सुलझा सकती हो सुलझा लो। तुम प्लीज मुर्तजा को मनाओ, बाकी सब होता रहेगा। नहीं माने, Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.